मतलब बेटे एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.4, और इसका क्वेश्चन रहता है सिक्स्थ और सेवन्थ दो रहते हैं। तो सिक्स्थ के अंदर हैं तीन पार्ट, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनके फैक्टर करने हैं बेटे आपको। तो देखें इसमें दे रखा है 4x² + 28xy + 49y² तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी दोनों के अंदर वो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर या ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ओपन है ये आइडेंटिटी दोनों। तो कैसे इनको क्लोज करेंगे देखो, तो सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट 4x² + 28xy + 49y², तो यहाँ पे हम पहले इसको कंप्लीट को स्क्वेयर लिखेंगे, पहले हम इसका लिखें पहले कंप्लीट का स्क्वेयर। तो जैसे 4x² है तो 4 है 2 का स्क्वेयर, 2x² प्लस 28xy, यहाँ लिखेंगे 49 है तो 7y का स्क्वेयर। तब ये है ए स्क्वेयर, ये है बी स्क्वेयर, ये है और 2ab इसके अंदर है। तो जो आइडेंटिटी यूज है वो ये वाली है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको ओपन है तो इसको वापस क्लोज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगी 2x + 7y का होल स्क्वेयर और इक्वल टू, अब इसकी दो पावर है तो इसको दो बार लिखेंगे ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो 2x + 7y, 2x + 7y ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। इसका जो सेकंड है 1 + 2x + x², तो देखो ये तो एक्स स्क्वेयर है, अब इसको स्क्वेयर में लिखेंगे हम, तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है तो इसको स्क्वेयर में लिखें पहले। तो 1 का स्क्वेयर प्लस 2x + x², और अब इसकी लिखेंगे 1 + x² और ये हो जाएगा 1 + x, 1 + x 2 टाइम्स। और अब देखिए इसका थर्ड पार्ट सिक्स्थ का 4 + 4x - y प्लस में x - y होल स्क्वेयर। तो बेटे देखो यहाँ पर x - y है तो इसको पहले हम लेट कर लेंगे ए, अब इसकी जगह लिख देंगे हम 4 + 4, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर। अब इसकी हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो 4 है 2 का स्क्वेयर, ये 4 एच डी जैसे और ये ए स्क्वेयर, तो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए यहाँ पर 2 है और ये ए, तो 2 + a का होल स्क्वेयर, तो 2 + a, 2 + a 2 टाइम्स। तो ये देते हैं हमारे 3 क्वेश्चन सिक्स के, और सेम आपके सेवन्थ में भी ऐसे ही है एच डीज। तो सेवन्थ का देखें सेकंड पार्ट सेवन्थ का x² - 4xy + 4y², अब इसमें देखो माइनस का और आ गया आपका, तो ये तो हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर और ये हो जाएगा 4 है 2 का 2y². तो यहाँ पे अब इसकी आइडेंटिटी कौन सी, ये x - 2y, तो बीच में अगर बेटे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये a - b की होल स्क्वेयर वाली लगेगी। अभी दोनों को ओपन कर देंगे x - 2y x - 2y। इसका फिफ्थ पार्ट और देखें x² + 20x + 100, तो x तो स्क्वेयर है ही बेटे, ये 20x एज इट इज, 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा ये बी स्क्वेयर, तो x + 10 का होल स्क्वेयर और इसको 2 टाइम्स। तो बाकी अब आप खुद ट्राई करेंगे, इसके कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे पूछ लेंगे।